आलू बुखारा प्लम ट्री की एयर लेयरिंग करने लगे। इसको हमने गोलाई में छिलका काटना है इसका। कोई शार्प नाइफ हो आपने अंदर वाली साइड को डैमेज नहीं करना इसमें, और तकरीबन 1 से 1.5 इंच का आपने इसका छिलका उतार लेना है। हम इसको जो इसकी नीले वाला हिस्सा है वो साफ कर लेंगे इसमें से। अंदर से टेनी को बिल्कुल छिलका उसका सारा हम उतार लेंगे। कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, ये लीफ कंपोस्ट यूज़ होगी इसमें। और ये गीली होनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं कि जैसे हम इसको निचोड़ रहे हैं तो इसमें से पानी नहीं बह रहा, बहुत थोड़ा आ रहा है, तो इतनी ना हो कि हम इसको गिरे निचोड़ें तो हम इसका पानी हमारा बाहर आना शुरू हो जाए। ये हम इस तरह इसको प्लास्टिक के बैग में भर लेंगे। इतनी हमने भर लिए। अब हमने इस शॉपर को, जिस बैग प्लास्टिक बैग को हमने बीच में से कट लगाना है। अच्छा, अब ये हमने कट लगाया है शॉपर में, और ये जो हमारी जगह जो हमारी ऑलरेडी हमने साफ की हुई है, हम ये उसमें ऐसे लगा लेंगे इसको, इसके बीच में आ गया ये। और उसके बाद हमने इसको बैग को ऐसे करके लपेट लिया। लपेटने के बाद हम इसमें इस तरह इसको रस्सी के साथ एयर टाइट कर लेंगे। हवा इसके अंदर जाएगी तो फंगस लग जाएगी और ये हमारी एयर लेयरिंग फेल हो जाएगी। तो हमने इसको साइडों से अच्छी तरह बंद करना है ताकि इसके अंदर एयर ना जा सके। तीन जगहों से यहाँ पे हमने इसको हेड से और दोनों साइडों से ताकि एयर बिल्कुल हमारी इसकी जानी बंद हो जाए। एक्स्ट्रा हम काट लेंगे। टेप लगा लेंगे।
अच्छा ये हमने एक किए इस पे एयरलेयर, ये हमारा इस पे एक दूसरा हमने इस शाख पे किया है और एक और हमने इस शाख पे किया है और इसी के साथ हमने एक वो आगे किया है। इंशाल्लाह यहाँ तक हम इस वीडियो क्लोज़ करेंगे और 25 दिन बाद इंशाल्लाह इसमें रूट्स बन जाएंगी और आपको फर्दर जो है हम उस पर अपडेट करेंगे।